फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अमेजिंग फूड ब्लॉग। आज की मेरी रेसिपी है आलू बीन्स। आलू बीन्स के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 250 ग्राम बीन्स। ये मैंने जो है इस तरीके से बारीक काट ली हुई हैं। उसके बाद हम लेंगे ये दो मीडियम साइज़ के आलू, जिन्हें मैंने इस तरीके से काट लिया है। और फिर मैंने ली है प्याज दो मीडियम साइज़ के, जिन्हें मैं इसमें मैंने दो मीडियम साइज़ के टमाटर और एक आधा लिया और दो हरी मिर्च ली हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा मेरी वीडियो को। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। हमने जो पहले से कढ़ाई रखी है, कढ़ाई जो हमारी गर्म हो चुकी है। अब हम उसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल जो है हमारा गर्म हो रहा है। अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए प्याज, बारीक कटे प्याज। ये हमने बारीक कटे प्याज डाल दिए हैं। अब हमने जो है प्याजों को इनमें डाल दिए हुए, लगभग हमने 2 मिनट के लिए हमने इसे फ्राई कर लेना है इन प्याजों को, मतलब भून लेना है हमने इसको, इन प्याजों को हल्के से सौटे होने तक। चलिए ये हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे आलू। आलू को जो है हमने तब तक फ्राई करना है जब तक ये हल्के से गल ना जाए। तो चलिए इनको हिला लेते हैं पहले अच्छे तरीके से। हिलाने के बाद जो है अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक हमने डालना है सब्जी के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने बीन्स भी डालनी है। नमक हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि जो है हमारे आलू जो है पहले से गल जाए, ज़्यादा देर ना लगे गलने में उन्हें। तो चलिए दोबारा से हम इसे मिक्स कर लेते हैं आलू को। तो ये जो है हम मिक्स कर रहे हैं आलू को। अब हम जो है इसे जो है प्लेट से हम ढक देंगे। ढकने का ये रीज़न है कि ताकि जो आलू है हमारे गल जाएँ। तो चलिए अब हमने प्लेट से इसे ढक दिया हुआ है। अब हम इसे वेट करेंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट का वेट करने के बाद अब हम इसे ओपन करेंगे। आलू जो है हम चेक करेंगे कि हमारे पके हैं कि नहीं। हम इस तरीके से इसे चेक करेंगे। तो ये देखिए, ये जो है हमारे आलू गल चुके हैं, ये गल गए हैं हमारे आलू। अब हम इसमें डालेंगे बीन्स, जो बीन्स हमने बारीक काटी हुई हैं, ये हम बीन्स डालेंगे। बीन्स को डालने के बाद हम इसे हिलाएंगे अच्छे तरीके से, ताकि जो है आलू मिक्स हो जाए इसमें अच्छे तरीके से। ये हमने मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब हम इसमें डाल दिए आधा चम्मच हल्दी। अब आधा चम्मच थोड़ा जो है रेड चिली पाउडर डाला है अब हम इसमें। उसके बाद हमने जो टमाटर बीट कर रखे थे हमने वो डालने हैं इसमें। थोड़ा सा पानी का हंगाल भी हमने इसमें डाल देना है। जैसे अब ये डालने हल्के से टमाटर लगे हुए हैं, ये हमने पानी का हंगाल डाल देना है। तो चलिए अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से। इन्हें जो है मिक्स कर लेना है हमने सब्जियों को, सारियों को। ये जो हमने मसाला वगैरह डाले हैं, टमाटर वगैरह डाले हैं, इन्हें अच्छे तरीके से हिला लेना है, मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमने जो है इसे थोड़ी देर ढक देना है सब्जी को, ताकि जो ये हमारी सब्जी बन जाए। चले आइए हम इसे ढक देते हैं। ये हमने ढक्कन से इसे ढक दिया है। अब हमने इसमें लगभग 10 मिनट का वेट करना है, जिससे जो है हमारी सब्जियाँ सारी पक जाएँ। ये हम इसे ढक्कन को जो है लिड को ओपन करते हैं, देखते हैं सब्जी हमारी पक गई है। ये देखिए सब्जी जो हमारी पक गई। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच सूखा धनिया और आधा चम्मच जो है हमने गरम मसाला डालना है। अब हमने इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। साथ में हमने डालना है इनमें आधा चम्मच किचन किंग मसाला। किचन किंग का जो फ्लेवर है वो सबसे अच्छा आता है, सब्जी का स्वाद आ जाता है खाने में। तो चलिए इसे मिक्स कर देते हैं। मिक्स करना है, मिक्स जो है हम इसे अच्छे तरीके से कर लेंगे, क्योंकि जो हमने बाद में जो दो मसाले डाले हैं, किचन किंग गरम मसाला जो डाले हैं, वो इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। मिक्स हो गए हैं। चलिए देखिए अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। आइए ये देखिए सब्जी का जो कलर है कितना अच्छा है, और खाने में भी ये स्वादिष्ट लगेगी। तो ज़रूर ट्राई करिएगा।